मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूलों में अब बच्चों को स्वाधीनता सेनानी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर के अध्याय को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भोपाल क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वीर सावरकर हमारे उन महान क्रांतिकारियों में से है जिनको एक एक जन्म में दो दो आजन्म कारावास की सजा हुई है। और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, पहले लेखक हुए जिन्होंने 1857 के आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा, नहीं तो लोग गदर ही कहते थे। इसलिए भारत की आज़ादी में उनका अपूर्णीय योगदान है और इसलिए उनको समाज जीवन में हर जगह पर सम्मान मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। विदेशी आक्रांताकारों को महान लिखा गया, देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है, यानी अब देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो वो बनेंगे, उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियां हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता का संदेश का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी कहा है। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को हम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो नया सारा सेटअप बन रहा है उस किताबों का, सिलेबस का, उस सब में हमको भी सम्मिलित करने वाले हैं। 2018 में कुछ समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी ने जिस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिस महापुरुष का विशेष योगदान है, जिनको एक जन्म में दो दो आजन्म कारावास की सजा हुई, ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर की किताब एक स्कूल में बांट दी गई थी। कमलनाथ जी ने उन प्राचार्य को निलंबित किया गया था, यानी कांग्रेस के लोग हमारे देश के क्रांतिकारियों को बच्चों तक पहुँचाना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी सरकार में करके दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है हम ऐसे सभी क्रांतिकारियों को सम्मिलित करेंगे और वीर सावरकर जी को भी हम उनके चरित्र को भी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने वाले हैं। सावरकर को किस हैसियत से शामिल करना चाहते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है और बहुत अफसोसजनक है। सावरकर की कहीं कोई भी पृष्ठभूमि में हमने जो आज तक पढ़ा, उनके खुद के पत्र पढ़े हैं जिसपे अनेक बार पत्र सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, जो अंग्रेजों से उन्होंने माफ़ी मांगी है, और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है और फ्रीडम फाइटर्स की तोहीन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।